नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटकी की उसल। मटकी की उसल बनाने में तो ये बहुत ही आसान होती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाते हैं आज हेल्दी मटकी की उसल। तो इसके लिए मैंने रात को आधा कप मटकी ली थी और मटकी को और उसमें डाल दिया था 2-3 चम्मच चना, यानी कि साबुत चना। उसको अच्छे से साफ करके धो के भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो ये रात भर भीग चुका है, भीग के फूल चुका है। तो अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई। राई तड़कने के बाद उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 प्याज, यानी कि 2 बारीक कट किए हुए प्याज। हल्का सा प्याज को ट्रांसपेरेंट होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और ये जो है ये लहसुन है। लहसुन को आप पहले डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लहसुन डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी लहसुन डाल दिया है। अच्छे से सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ टमाटर। ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, और चलाते हुए इसको अच्छे से सॉफ्ट करेंगे टमाटर को। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर बस 3-4 चुटकी डालना है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें गैस को स्लो करना है। तो लगभग मैंने 30 सेकंड इसको चला लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमने जो मटकी रखी थी भिगो के, उसको उसमें का पानी मैंने निकाल दिया और मटकी को डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। और ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के लगभग 2 मिनट पका लेंगे। मीडियम या फिर स्लो गैस पे पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन निकाल दिया है और ऊपर से बस 2 चम्मच हम पानी डालेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से ढक्कन रख के इसको 2 मिनट पका लेंगे, 2 या 3 मिनट पका लेंगे। तो 2-3 मिनट होने के बाद ढक्कन निकाल देंगे और मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी मटकी की उसल है ये बन के रेडी हो चुकी है। ऊपर से बस हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी मटकी की उसल तैयार है। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।